फाइनली तुम्हारा भाई आ गया है अमृतसर की गलियों में चेन्नई छोड़ के। और अमृतसर एक अभी सिर्फ झलकी है और पूरी ट्रेन खाली हो गई है और एक मैं बचा हूँ। तो अभी अपन निकल चुके हैं जलंधर जंक्शन से, जलंधर सिटी से। तो ये मेरे पीछे कुछ ऐसा नया उसमें ट्रेन में नहीं, और भी बहुत जा रहे हैं अमृतसर के लिए। मेरे को लगा था भर के जाएंगे, लेकिन भाई ये तो पूरी खाली ट्रेन है। लेकिन बहुत गर्मी बहुत थी भाई, 40 डिग्री प्लस, मतलब कि 45 से भी ज़्यादा सेल्सियस मतलब फील हो रहा था, इतनी ज़्यादा गर्म थी। लेकिन अभी थोड़ी सी रात मिली है। और तुम बोल रहे हो गए दो दो चीज़ें क्यों पहनी है, इसके लिए एक चीज़ है वो भी बाद में बताऊँगा अभी। और ट्रेन देख लो भाई, फुल खाली, बाहर देखो बाहर। पूरी खाली हो गई है ट्रेन। खाली हो गई पूरी ट्रेन, खाली हो गई भाई। एक मेरा बैग बचा है और एक मैं बचा हूँ। अपन लोग निकल चुके हैं जलंधर सिटी से। अभी जलंधर कैंट आया था, वहाँ पर रुकी नहीं सचखंड एक्सप्रेस। और ये चंडीगढ़ होके आई है, पता नहीं मैंने पहली बार देखी है यहाँ, फिर आती चंडीगढ़ हो गया। सो अभी 8:40 पर कुछ अमृतसर जंक्शन पे पहुँच जाएगी, जो कि लास्ट स्टेशन है इंडिया का। उसके आगे अटारी है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ इंटरनेशनल लोग, मतलब जैसे कि पाकिस्तान जाना है जिसको, वो लोग वहाँ से उस साइड जा सकते हैं। वहाँ पर जो ट्रेन चलती थी जो सी पाकिस्तान के पास है, उसके कोचेस वगैरह वाली, तो लास्ट स्टेशन है इंडिया का जो कि अमृतसर जंक्शन है नॉर्थ में पंजाब के अंदर। सो आप लोग देख लो, अभी ये चल रहा है मेरे पीछे जलंधर सिटी का कुछ बैकयार्ड एरिया, कंट्री साइड एरिया। तो कुछ इसी प्रकार का कट रहा है आज का दिन। और सुबह इतनी गर्मी थी, 40 डिग्री गर्मी, पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन चलो देख लेना। और ट्रेन पूरी खाली है, मेरी पूरी दुबई पूरी खाली है, इसलिए नो टेंशन। और 4-5 जाने और मिल गए हैं, हो सकता है उन्हीं के साथ अपन जाएंगे आज और ब्लॉग वगैरह करेंगे। पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है तो अच्छी बात है। इसलिए आ गया है अपना अमृतसर जंक्शन, और चलते हैं और घूमते हैं। और 11 अपन अमृतसर जंक्शन पे,
फाइनली तुम्हारा भाई आ गया है अमृतसर की गलियों में चेन्नई से उठ के, और अमृतसर एक अभी सिर्फ झलकी है, और उसके बाद मेरे को मध्य प्रदेश की पूरी सीरीज़ कवर करनी है। बस यहाँ पर मैं मत्था टेकने के लिए आया था, जो कि मत्था मैंने टेक लिया है, और अभी सिर्फ स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। स्टेशन का रास्ता है वो ज़रा चेक करना है कि कैसा है, क्योंकि मैं उस टाइम ऑटो से आया था, तो अभी मैं ऑटो से नहीं जाऊँगा, अभी मैं पैदल जाऊँगा सुबह सुबह 4। यहाँ आसपास की सड़कें कुछ इस प्रकार की हैं, ये स्टेशन की तरफ रोड जाती है गोल्डन टेम्पल से, मैं उस पर आया हूँ, क्योंकि गोल्डन टेम्पल से अमृतसर जंक्शन सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है इसलिए, और बस पहुँचने ही वाले हैं। सो अभी मैं आ गया हूँ अमृतसर रेलवे स्टेशन के जो सेकंड गेट होता है उसमें हूँ मैं, बैक साइड में, क्योंकि जो मेरी साइड से एरिया है वो उसी साइड से कम पड़ेगा अमृतसर गोल्डन टेम्पल से आऊँगा, तो इसी चक्कर में इसको चेक करने के लिए अपन आ गए थे। और कुछ इस प्रकार का है भाई, सो अभी बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था कल। कल मैं जैसे ही रेलवे स्टेशन पे पहुँचा था तो मैं गलत रोड पे, मतलब गलत साइड से चले गया था मेन वाले से। तो को पहले रोड क्रॉस कर लेता हूँ फिर बात करता हूँ। सो कल मैंने दूसरी साइड से चले गया था, तो ऑटो में बैठ के भी गया था, तब भी उसने 20 रुपये लिए थे ऑटो ड्राइवर ने, लेकिन उसने भी 2 किलोमीटर दूरी छोड़ दिया था, तो इसी चक्कर में आज मैं यहाँ पर हूँ भाई। उसने मेरे को वहाँ पर छोड़ दिया था, तो इसी चक्कर में मैं वहाँ से फिर ऑटो की जगह पैदल चल के जाना पड़ा था। उसने मेरे को वो चूना लगा दिया था, रात के 9 बज रहे थे इस चक्कर में, तो मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं चले आते हैं उधर से, तो हम लोग भी उधर से चले गए। और अभी मैं गोल्डन टेम्पल पे सिर्फ अपनी मतलब धार्मिक उससे आया था मत्था टेकने के लिए, मेरा कोई रोल नहीं था कि मैं आके व्लॉग बनाऊं, वो मैं सिर्फ बाहर का है वो ही व्लॉग बना रहा हूं मैं, कोई ज़्यादा वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और गोल्डन टेम्पल के अंदर का व्लॉग नहीं शूट किया मैंने, उसकी 2-4 क्लिप लगी हुई हैं, वो आप लोग चेक कर सकते हो, अभी स्क्रीन पर मैं सब जोड़ दूँगा। तो व्लॉग मैंने फुल्ली वॉइस ओवर वाला नहीं बनाया, मतलब वॉइस जो ऐसे बनाते हैं वैसे नहीं बनाया है, और आप लोग चेक कर सकते हो। और अभी मैं हूँ ये सड़कों पर, और अभी इसको आप लोग प्रैक्टिस वाला भी कह सकते हो व्लॉग, क्योंकि प्रैक्टिस ही चल रही है मेरी एक समान अमृतसर की सड़कों पर व्लॉग की, और उसके बाद फाइनल शुरू होगा सेंट्रल इंडिया का टूर। तो जो क्लिप्स जोड़ी हैं वो आप लोग पूरी एंजॉय करो, फिर मैं आपसे मिलूँ। आपने वो क्लिप्स देख ली, और अभी शाम के 7:30 बजने वाले हैं, और अपने ग्वालियर जैसे मध्य प्रदेश में वैसे यहाँ पर रोल नहीं है, यहाँ पर टाइम से सारी दुकान्स वगैरह शट कर दी गई हैं, पूरी दुकान्स वगैरह यहाँ पर बंद हो गई हैं इस टाइम पर, और मैं सकते हो कि पूरी जितनी दुकानें हैं वो शट हो गई हैं, शट डाउन कर दी गई हैं लॉकडाउन का चक्कर में। और यहाँ पर देखो स्ट्रीट्स कैसी हैं, जैसे फॉरेन में होती है वैसी,